नमस्कार, टुडे आई विल टॉक ऑन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल। सो व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? तो बेसिकली दी पाथवे थ्रू विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर इन टू द बॉडी। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? दिस इज द पाथवे थ्रू विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर इन टू द बॉडी। ड्रग हमें चाहिए किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए और हमें लेना पड़ेगा किसी पाथवे के द्वारा। तो जिस भी प्रोसीजर से या पाथवे से हम ड्रग बॉडी में अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द रूट्स थ्रू विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर इन टू द बॉडी दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देर आर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट विल गवर्न द च्वाइस ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहला जो फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। अब मान लीजिए कोई ड्रग सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस स्टेट में है। तो जो सॉलिड होंगे वो ओरल रूट से दे सकते हैं, जो गैस होंगे वो इनहेलेशनल से देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये रूट्स ऑफ च्वाइस ऑफ द रूट को आपको डिसाइड करने में आपको ये हेल्प करेंगे। दूसरा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, आपको एक्शन कहाँ पे चाहिए। मान लीजिए आपको लोकल एक्शन चाहिए तो ओइंटमेंट क्रीम या ईयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स इसे हम देंगे। अगर आपको सिस्टमिक एक्शन चाहिए तो आपको ब्लड ऐसा ड्रग देना होगा जो ब्लड सर्कुलेशन में जाए। तो ये भी आपको रूट डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगे। दूसरा है तीसरा रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन कौन सा रूट से बेस्ट हो रहा है? कोई ड्रग ओरल एब्जॉर्प्शन बेस्ट होता है, कोई ड्रग ओरल एब्जॉर्प्शन होता नहीं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप माउथ से देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसको आपको इंट्रावेनस रूट से देना होगा। तो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो गवर्न द च्वाइस ऑफ द रूट। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन देना है तो बेस्ट च्वाइस क्या रहेगा आपको? इंट्रावेनस रूट। तो च्वाइस जो रूट का च्वाइस है आप कौन सा रूट से ड्रग देंगे ये डिसाइड करने के लिए दीज आर द फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनदर फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म। अब इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सम ड्रग्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इन गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक। अब गैस्ट्रिक जूस से अगर कोई ड्रग डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो आपको ओरल रूट से तो दे नहीं पाएंगे, या तो एक स्पेशल टैबलेट ऐसा दिया जाए तो किसी चीज़ से एंट्री क्वेटेड हो या किसी चीज़ से क्वेट हो जो डाइजेस्टिव जूस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, या तो आपको रूट को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। और दूसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऐसा ड्रग अगर आप देते हैं ओरल रूट से या तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बेसिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग बिफोर रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग को मेन कहाँ जाना है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उनसे पहले ही मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो सकता है। तो जैसे इंसुलिन है, अगर आप इंसुलिन देते हो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगा, वो आपको आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाएगा नहीं, इसीलिए हम इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट देते हैं, पेरेंटल रूट से देते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर ड्यूरिंग द च्वाइस ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप अनदर फैक्टर रैपिडिटी विच रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड। आपको कितना फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए, आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए तो आपको इंजेक्टेबल रूट से ड्रग देना पड़ेगा। स्लो एक्शन है तो आप ओरल रूट से दे सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड। आपको एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए ब्लड सर्कुलेशन में तो आपको इंजेक्टेबल देना होगा, क्योंकि ओरल रूट से देंगे तो 100% बायबिलिटी इज नॉट देयर, सारे ड्रग आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा, बीच में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिफोर माउथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो 30-40% बायबिलिटी इज देयर डिपेंडिंग अपन द ड्रग, 50%।
तो एक्यूरेट आपको डोज रिक्वायर्ड है इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो आपको इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, मान लीजिए अनकंसियस पेशेंट है तो उसमें आप ओरल रूट से ड्रग दे नहीं सकते, तो उसको इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। पेशेंट को सीवियर वोमिटिंग हो रहा है वो भी ओरल रूट से नहीं लेंगे, आपको उसमें भी पेरेंटरल रूट से देना पड़ेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस और द फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म, रैपिडिटी विथ विच रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड, एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर्ड एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो दीज आर द सम फैक्टर्स विच गवर्न्स और अफेक्ट ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ द रूट। आपको जब भी कौन सा रूट बेस्ट रहेगा वो चॉइस करने के लिए ड्रग का ये सारे फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब चलते हैं कितने टाइप्स के रूट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा कि हमको एक्शन क्या चाहिए ड्रग से। दो टाइप के एक्शन चाहिए रहेगा, वी नीड टू हैव टू टाइप्स ऑफ एक्शन, वन इज सिस्टेमिक एक्शन, वन इज सिस्टेमिक एक्शन, अनदर लोकल एक्शन। हमको एक एक्शन सिस्टेमिक एक्शन मीन्स कि हमको ड्रग सिस्टेमिक या ब्लड सर्कुलेशन में जाना चाहिए, हमें ऐसा रूट चाहिए कि ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे और वहां से ये बॉडी पे एक्ट करे, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एक्शन। दीज आर द रूट थ्रू विच ड्रग गोज इन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दैट इज सिस्टेमिक एक्शन। दूसरा है लोकल एक्शन, हमें ड्रग एक लोकली एक्ट चाहिए, जैसे सपोज स्किन में कुछ लीजन हो गया है तो वहीं पे ठीक हो जाए, वहीं पे ऑइंटमेंट लगाए ठीक हो जाए, आई में कुछ प्रॉब्लम्स है आई ड्रॉप्स डाले वहाँ ठीक हो जाए, दैट इज अ लोकल एक्शन। तो एक तो ऐसा डिसीज, ऐसा डिसीज कंडीशन जिसमें ब्लड को ड्रग को ब्लड सर्कुलेशन में जाना है। दूसरा है लोकल एक्शन, अगर लोकली कुछ प्रॉब्लम है तो लोकल एडमिनिस्टर्ड ड्रग देंगे या ऑइंटमेंट क्रीम टॉपिकल तो लोकल ठीक हो जाए। तो दो टाइप के एक्शन चाहिए आपको, और कौन सा एक्शन आपको चाहिए, विच यू रिक्वायर्ड आइदर सिस्टमिक एक्शन और द लोकल एक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दी टू एक्शन वी हैव टू डिवाइड द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए हमको सिस्टमिक एक्शन चाहिए ड्रग से, जो भी ड्रग हम ले रहे हैं वो ड्रग को हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है, या वी नीड टू गो इन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ड्रग हैज टू पास इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके लिए हम कौन सा रूट दे सकते हैं। तो एक होगा इंटेरल रूट, इंटेरल रूट्स में इंटेस्टाइन के द्वारा, इंटेरल इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, माउथ से एनस से किसी भी पार्ट से हम अगर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन दे गोज इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक इंटेरल रूट हो गया। दूसरा है पैरेंटरल रूट्स, पैरेंटरल मीन्स अपार्ट फ्रॉम द इंटेरल रूट, हम इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट के अलावा जो रूट करते हैं दैट इज पैरेंटरल रूट्स, उसमें ज्यादातर इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस देते हैं, तो ये ड्रग क्या होता है डायरेक्टली रीच इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जितने भी ड्रग गए दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक एक्शन। तो बोथ रूट्स, ये इंटेरल एंड द पैरेंटरल, ये दोनों रूट्स से अगर ड्रग हम देते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द सिस्टमिक एक्शन। ठीक है, लोकल से लोकल एक्शन के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स है, टॉपिकल है, इंट्रा आर्टिकुलर है, आर्टेरियल है, आई विल डिस्कस लेटर। तो इंटेरियल में भी तीन टाइप्स के रूट से हम ड्रग दे सकते हैं, एक तो ओरल रूट से जैसे माउथ से हम दे सकते हैं, एक सबलिंगल से बकल म्यूकोसा दैट इज अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और अनदर इज अ रेक्टल, रेक्टल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो तीन रूट से, दिस इज अ थ्री रूट्स, तीन रूट से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एडमिनिस्टर ड्रग एज पर इंटरनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अनदर पैरेंटरल रूट्स, पैरेंटरल रूट मींस अपार्ट फ्रॉम या अदर देन इंटरनल रूट दैट इज पैरेंटरल रूट। पैरेंटरल रूट में हम या तो इंजेक्शन से हम ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, या इनहेलेशनल रूट से हम गैसियस जो ड्रग्स होंगे गैस स्टेट में होंगे हम इनहेल कर सकते हैं। लंग्स हैज अ वेरी लार्जर सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इन द लंग्स डायरेक्टली रीच इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा है ट्रांसडर्मल, हम स्किन में ट्रांसडर्मल पैचेस के द्वारा हम डायरेक्ट द ड्रग रीच इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो तीन टाइप से, आइदर इंजेक्शन, इनहेलेशनल और द ट्रांसडर्मल, ये तीन रूट से हम
ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन द पेरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन के द्वारा, आइदर इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्राफेनस रूट, इंट्राप्रोटोनियल. सो इन दिस टाइप्स ऑफ, इन दिस वे वी कैन एडमिनिस्टर द ड्रग इन टू द ब्लड सर्कुलेशन. एंड द लोकल एक्शन, फॉर द लोकल एक्शन वी कैन एडमिनिस्टर द ड्रग वे टॉपिकली, इन वेयर यू रिक्वायर द ड्रग्स लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, पाउडर, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, स्प्रे, दैट इज कॉल्ड टॉपिकल एप्लीकेशन. डीपर टिश्यू, इंट्रा आर्टिकुलर, लाइक यू कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर ड्रग इन टू द ज्वाइंट, दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टिकुलर. इंट्रा आर्टेरियल, समटाइम स्पेशल केसेस वी कैन गिव ड्रग इन टू द इंट्रा आर्टेरियल फॉर कैंसर सेल. सो वील डिस्कस वन बाई वन. So interior routes. So what do you mean by interior route? First route is the interior route. Interior route means the drug can be absorbed from internal. Internal means GIT, gastrointestinal tract. So drug can be absorbed from any part of gastrointestinal tract is called the internal routes of drug administration. या mouth से दीजिए, part of gastrointestinal tract, buccal mucosa, gastrointestinal tract, rectum, पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. सो ये तीनों रूट को हम बोलते हैं इंटीरियर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे ओरल रूट से हम देंगे, माउथ से, दैट इज कॉल्ड ओरल रूट, लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर द जीआईटी एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. हाउएवर एसिड एंड एंजाइम सीक्रेट इन द गट मे डिस्ट्रॉय द ड्रग बिफोर दे गेट एब्जॉर्ब्ड. माउथ से देते हैं तो लार्जर सरफेस एरिया इज देयर, होल इंटेस्टाइनल ट्रैक इज हियर, देयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, है ना, वेरी इफेक्टिव ड्रग इज देयर, मैक्सिमम ड्रग नाउट इज गिविंग बाई द ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन समटाइम्स एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक एंड एंजाइम सीक्रेट इन द गट मे डिस्ट्रॉय द ड्रग बिफोर दे गेट एब्जॉर्ब. समटाइम इट हैपन्स एंड दे हैव टू इन दैट टाइप ऑफ केसेस वी नीड टू बी चेंज द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट क्या है ओरल रूट से देने से. एक तो सेफेस्ट रूट है, मोस्ट सेफेस्ट रूट, सेफेस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट, मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ईजी, कोई भी कर सकता है, पेशेंट सेल्फ ले सकते हैं, कोई ज़्यादा स्पेशल स्किल नहीं चाहिए. इकोनॉमिकल, आप देखेंगे जितने भी ओरल रूट्स है, टैबलेट है, कैप्सूल हो, दीज आर द चीपेस्ट ड्रग्स एज कम्पेयर विद द इंजेक्टेबल ड्रग्स. अगर आप इंजेक्टेबल से कंपेयर करते हैं तो ये चीप है. सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, कोई भी पेशेंट या कोई भी सेल्फ ले सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए. नॉन इनवेजिब्रेट, कुछ नहीं करना है स्किन पे, बॉडी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दिस इज अ टोटली नॉन इनवेजिब्रेट. तो दीज आर द सम बेनिफिट ऑफ ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. इसका सम डिसएडवांटेजेस भी है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है. तो ओरल रूट से ड्रग क्या होता है, स्लो एक्शन होता है. अगर आप कंपेयर करेंगे पेरेंटल रूट से तो एक्शन इज स्लो. तो अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए या इमरजेंसी केसेस में, आप ओरल रूट से ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि इमरजेंसी में आपको फास्ट एक्शन चाहिए रहता है. तो ये इसका डिसएडवांटेजेज है कि स्लो एक्शन है. दूसरा है अनपैलेटेबल ड्रग्स कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड, अनटेस्टेड, बहुत ज़्यादा बिटर ड्रग्स है, बिटर ड्रग मुंह में डालते ही वोमिटिंग होने लगता है, तो ये ड्रग भी ओरल रूट से देने में प्रॉब्लम ही होगा. पुअर एब्जॉर्प्शन, कोई ड्रग ओरल रूट से पुअर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता है. स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन है, जीरो एब्जॉर्प्शन हो सकता है समटाइम यू कैन से, तो आपको इसे ओरल रूट से नहीं दे सकते. गैस्ट्रिक इरिटेशन, सम ड्रग्स आर इरिटेंट, वो क्या करेगा, जैसे ही लेंगे वैसे इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा और गैस्ट्रिक सिक्रेशन करेगा, पेन करेगा. सम ड्रग डिस्ट्रॉय बाई गैस्ट्रिक जूसेज, अब कुछ ड्रग्स है जो गैस्ट्रिक जूस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक गैस्ट्रिक जूस यू कैन से दैट कैन डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर ड्रग्स, तो इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है. सबसे बेस्ट, सबसे मोर इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट आप डिसएडवांटेजेस कह सकते हो,
ओरल प्रिपरेशन कैन नॉट बी गिवन इन अनकॉन्सियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्सियस है, अनकोऑपरेटिव है, तो आप ओरल रूट से ड्रग दे ही नहीं सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस यू कैन से। अनदर फर्स्ट पास इफेक्ट, ये फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म जो है, मेटाबोलिज्म इज ऑफ द ड्रग बिफोर रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये लीवर में, बकल म्यूकोसा में, गट में मेटाबोलाइज हो जाता है ना। तो जो ड्रग फर्स्ट पास इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो या अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो दोज ड्रग कैन नॉट गिवन बाय ओरल रूट। आप इंसुलिन नहीं दे सकते, इंसुलिन गोज अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। सबलिंगुअल रूट, अनदर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ इंटीरियर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल रूट। टैबलेट और पेलेट कंटेनिंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। आप बकल म्यूकोसा है, टंग के नीचे आप टैबलेट या पैलेट जो भी है आप टंग के नीचे रख सकते हो। यहाँ पे हमने, आप फिगर में देख रहे हो, आप टंग को ऊपर उठाइए और यहाँ पे आप पैलेट या कोई भी टैबलेट जो आपको रिक्वायर्ड हो ऑन द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सबलिंगुअल रूट, यू कैन पुट देयर। एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द सबलिंगुअल म्यूकोसा, एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसिन निफेडेपिन हम देते हैं, नाइट्रोग्लिसिन एंजाइना अटैक में देते हैं, निफेडेपिन इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सो दीज ड्रग्स कैन बी गिवन सबलिंगुअली डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ द रूट। टैबलेट्स में बी क्रश, आप दूसरा एक है, टैबलेट में बी क्रश्ड इन द माउथ बट नॉट स्वलोड। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं लेकिन उसको निगलना नहीं है, स्वलो नहीं करना है। बकल म्यूकोसा इज अ रिच ब्लड सप्लाई अलोज क्विक अब्जॉर्प्शन। बकल म्यूकोसा दिस इज अ रिचेस्ट सप्लाई, ब्लड सप्लाई इज देयर, तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई, ज़्यादा जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, तो इट गुड अ बेटर अब्जॉर्प्शन। इसीलिए हम नाइट्रोग्लिसिन एंजाइनल अटैक में देते हैं, 1 to 2 मिनट में एंजाइनल अटैक को सबसाइड कर सकता है ना। तो दैट्स, दिस इज अ वेरी गुड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑल्सो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है? एक तो एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, ये दिस इज द बेनिफिट। आप फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि बकल म्यूकोसा इज अ गुड या रिच ब्लड सप्लाई। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, जो आप ओरल रूट्स में जो माउथ से दे रहे थे उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था। अगर ऐसा ड्रग है जो उसको सबलिंगुअल रूट से देते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो दीज आर द बेनिफिट। आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज ऑफ्टन, अगर आपको जैसे एंजाइनल अटैक आया तो आपने नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली लिया, लेकिन जैसे एंजाइनल अटैक सबसाइड हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रग को स्पिट आउट कर सकते हैं, आप बकल म्यूकोसा से बाहर फेंक सकते हैं। तो आफ्टर द डिजायर्ड इफेक्ट इज ऑब्टेंड द ड्रग कैन बी स्पॉट आउट टू अवॉइड अनवांटेड इफेक्ट। आपका जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद उसका कोई जोरी नहीं है तो आप ड्रग को स्पॉट आउट कर सकते हैं, तो आगे वो अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये बेटर, ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ सबलिंगुअल रूट। देर आर सम डिसएडवांटेजेज ऑल्सो ऑफ द सबलिंगुअल रूट। बकल अल्सरेशन कैन अकर, बकल अल्सरेशन कैन अकर अगर रिपीटेड लेते हैं, अगर सबलिंगुअल रूट से रिपीटेड ड्रग लेते हैं तो समटाइम इट कैन कॉज अ बकल अल्सरेशन। लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन नॉट गिवन बाई दिस रूट। ये भी लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है, वो भी ऑब्जॉर्ब नहीं होगा। इरिटेंट ड्रग्स है या अनप्लेटेबल ड्रग्स है, वो बकल में कोई जाकर इरिटेट करेगा। अगर अनप्लेटेबल है तो टेस्टी बहुत ज़्यादा बिटर है तो स्पिट आउट कर देगा। तो ये भी ड्रग्स अब सबलिंगुअल रूट से हम नहीं दे सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं, दिस कैन बी डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट। अनदर इंपॉर्टेंट रूट ऑफ द इंटरनल रूट्स, दैट इज रेक्टल रूट। रेक्टल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, तो दिस इज वेरी गुड रूट फॉर द ऑल्सो। रेक्टम हैज अ रिच ब्लड सप्लाई एंड ड्रग्स कैन बी क्रॉसेस रेक्टल म्यूकोसा। ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम, अगर अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम से ड्रग एब्जॉर्ब होता है तो दीज आर कैरीड बाई सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन। द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग कैरीड बाई सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन टू द पोर्टल सर्कुलेशन, तो ये क्या हो सकता है, फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म में जा सकता है। तो अगर रेक्टम में अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम से एब्जॉर्ब हो रहा है वो ड्रग तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा सकता है। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन, इफ द एब्जॉर्प्शन द ड्रग्स टेक्स प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम दैट इज कैरीड आउट बाय
मिडल एंड इन्फीरियर हेमोराइडल वेन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो कहाँ ले जाके जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिजायर एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि अगर अपर पार्ट में साइड इफेक्ट कर रहा हूँ, इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है रेक्टल रूट का, या अपर पार्ट में अगर ऑब्जर्व होता है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा सकता है। तो भाई लाइक डाइजेपाम, क्लोरप्रोमाजीम, ईटीसी कैन बी गिवन रेक्टली, ये ड्रग्स है रेक्टम से हम प्रोड्यूस दे सकते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ओरल रूट, सबलिंगल रूट एंड रेक्टल रूट, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स कमिंग टू द सॉरी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेक्टल रूट, एडवांटेजेस क्या हो सकता है। तो जो गैस्ट्रिक इरिटेशन ड्रग है जो इरिटेट कर रहा था वहाँ से ओरल रूट से देने में, वो यहाँ से अवॉइड हो सकता है, वो ड्रग को आप रेक्टल रूट से दे सकते हो। उसके बाद कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाई अनस्किल्ड पर्सन, ये इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, अनस्किल्ड पर्सन भी इसको हम ड्रग दे सकता है, तो इसको ये बेनिफिट हो सकता है। यूजफुल इन जेरियाट्रिक पेशेंट, ओल्ड एज में पेशेंट विथ वोमिटिंग एंड दोज हु अनेबल टू स्वलो, अगर ओल्ड एज पेशेंट है, पेशेंट विथ वोमिटिंग, अगर सीवियर वोमिटिंग है, अगर कोई पेशेंट स्वेलो नहीं कर पा रहा है, ड्रग निगल नहीं पा रहा है, तो ऐसा केसेस में रेक्टल रूट को प्रिफर किया जा सकता है। ऑल्सो यूजफुल इन अनकन्सियस पेशेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ रेक्टल रूट, अगर पेशेंट अनकन्सियस है या अनकोऑपरेटिव है तो भी आप रेक्टल रूट से दे सकते हो, जैसे आप ओरल रूट से जो नहीं दे पा रहे थे वो आप रेक्टल रूट से प्रोड्यूस कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ रेक्टल रूट, इरिटेशन ऑफ द रेक्टम कैन अकर, अगर इरिटेशन हो सकता है अगर ड्रग कोई दे रहे हैं तो ये रेक्टम में इरिटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। ऑब्जॉर्प्शन में भी रेगुलर, समटाइम इट हैज़ गुड ऑब्जॉर्प्शन, समटाइम इट इज बैड ऑब्जॉर्प्शन, तो कोई रेगुलर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि जो ड्रग दे रहे हैं वो बेटर ऑब्जॉर्ब करेगा, तो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ रेक्टल रूट कैन बी हैपन। एनिमा, एनिमा इज ऑल्सो गिवेन बाई रेक्टल रूट, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमा आर देयर, बेसिकली एनिमा देते हैं बॉयल को क्लीन करने के लिए, तो दो टाइप्स का एनिमा हो सकता है, इवैक्यूएंट एनिमा हो सकता है, रिटेंशन एनिमा हो सकता है। तो व्हाट इज इवैक्यूएंट एनिमा, सो इन ऑर्डर टू एम्प्टी द बॉयल 600 ml ऑफ सोप वाटर इज एडमिनिस्टर्ड, वाटर एक्सटेंड्स द एंड स्टिमुलेट द रेक्टम वाइल सॉप लुब्रिकेट्स, सो इट इज गिवेन प्रायर टू सर्जरीज, ऑब्स्टेरिक प्रोसीजर एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अगर बॉयल सर्जरी करना है, इंटेस्टाइनल सर्जरी करना है या रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अगर बॉयल क्लीन करना है, ऐसा केसेस में हम इवैक्यूएंट एनिमा देते हैं कि बॉयल कंप्लीटली क्लीन हो जाए, सो इट इज़ गुड फॉर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड सर्जरी और ऑब्स्टेरिक प्रोसीजर। दूसरा रिटेंशन एनिमा, सो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड विद अबाउट 100 ml ऑफ फ्लूइड्स, इसमें हम ड्रग देते हैं विथ 100 ml ऑफ फ्लूइड एंड रिटेन इन द रेक्टम फॉर लोकल एक्शन, ऐसा केसेस में जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है वहाँ पे केसेस में इंटेस्टाइनल में या रेक्टम के आसपास अल्सर हो गया हो कोलाइटिस में, ऐसा केसेस में हम ड्रग क्या करते हैं, ओरल से ना देके आप इनिमा के द्वारा रेक्टम रूट से आप दे सकते हो, और दे विल रिटेन देयर, वहाँ रुकेंगे और इस चीज़ को ठीक करेंगे, दैट इज प्रेडनिसोलोन एनिमा इज गिवेन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रेडनिसोलोन दिया जाता है इन रिटेंशन एनिमा, तो 100 ml फ्लूड में प्रेडनिसोलोन मिला के हम रेक्टम से दे सकते हैं, तो थोड़ा देर रिटेन करेंगे और दे विल क्योर द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो टू टाइप्स ऑफ एनिमा कैन बी गिवेन, वन इज फॉर बॉयल को क्लीन करने के लिए हो गया, और दूसरा कोई चीज़ है, कोई डिसीज है तो उसको ठीक करना है, दैट इज इवैक्यूएंट एनिमा एंड द रिटेंशन एनिमा। अनदर रूट्स ऑफ सिस्टमिक, फॉर द सिस्टमिक एक्शन, अनदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पैरेंट्रल रूट्स, इसको पैरेंट्रल क्यों बोलते हैं, तो वन वाज इंटरनल रूट्स, दिस इज पैरेंट्रल, तो इट इज पार एंट्रल, इट इज अदर दैन इंटरनल रूट इज कज पैरेंट्रल, ड्रग अगर इंटरनल रूट से ना देके कोई दूसरा रूट से दे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से ना देके अगर कोई दूसरा रूट से अगर आप दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
उसको बोलते हैं पैरेंट्रल रूट्स। अब पैरेंट्रल रूट्स में क्या होगा, आप इंटेस्टाइन के द्वारा माउथ में ऑब्जर्व होगा, नहीं बकल में, कोसा में, ना रेक्टम में, है ना, तो कहाँ से होगा, इंजेक्शन के द्वारा ज़्यादातर पैरेंट्रल रूट्स में, इंजेक्टेबल रूट्स या सिरिंज के हेल्प से हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं पैरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पैरेंट्रल रूट्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाई इंजेक्शन व्हिच टेक्स द ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड और द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसका मेस्ट इंपॉर्टेंट ही यही है कि अगर पैरेंट्रल रूट से ड्रग दोगे, ड्रग डायरेक्टली रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उनको अब्जॉर्प्शन होने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब ओरल रूट से देंगे तो क्या करेगा, पहले इंटेस्टाइन में जाएगा, अब्जॉर्ब होगा, आफ्टर दैट दे विल गो इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज अवॉइडेड इन द पैरेंट्रल रूट्स। इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, एक्शन इज मोर रैपिड अनप्रिडिक्टेबल दैन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्लो एक्शन हो रहा था, आप देख ही रहे थे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, तो इसमें एक्शन बहुत रैपिड होगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको रैपिड एक्शन चाहिए इमरजेंसी केसेस में, तो आप इंजेक्टेबल क्या इधर पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अ चॉइस ऑफ द रूट। कैन बी एम्प्लॉयड इन अनकन्सियस अनकोऑपरेटिव पेशेंट, अगर पेशेंट अनकन्सियस है, कोऑपरेट नहीं कर रहा हो, तो आप डायरेक्टली भी हाथ पकड़ के इंजेक्शन लगा सकते हो, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट्स। गैस्ट्रिक इरिटेंट ऐसा ड्रग है जो इरिटेट करता हो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, आप उसको पैरेंट्रल रूट से प्यूरीफाइड कीजिए, तो दिस इज द एडवांटेज। कैन बी यूज इन पेशेंट विद वोमिटिंग, पेशेंट को बहुत सीवियर वोमिटिंग है, ओरल रूट देंगे वो बाहर निकल जाएगा, ऐसा केसेस में पैरेंट्रल रूट प्रीफायर कीजिए। फास्ट पास अपॉइडेड, क्योंकि ड्रग गिविंग बाई पैरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली रीच इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो फर्स्ट पास इफेक्ट होने का इसमें सवाल ही नहीं होता है, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अवॉइडेड बाई द पैरेंट्रल रूट्स। तो दीज आर द एडवांटेजेज ऑफ पैरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, असेप्सिस मस्ट बी मेंटेन, असेप्सिस मस्ट बी मेंटेन, क्योंकि इंजेक्शन लगाएंगे स्किन पंक्चर होगा, तो इस इंजेक्शन लगाने से पहले आपको डिसइनफेक्ट करना है प्रॉपरली, तो आपको असेप्सिस मेंटेन करना होगा, और स्किल्ड पर्सन चाहिए, अनस्किल्ड पैरेंटल रूट्स को पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इंजेक्शन पेनफुल हो सकता है, जब इंजेक्शन लगेगा तो पेन होगा, मोर एक्सपेंसिव, जो भी इंजेक्टेबल ड्रग्स है वो कॉस्टलीस्ट होता है, ओरल रूट्स ऑफ जो टैबलेट कैप्सूल है थोड़ा चीप होते हैं, इंजेक्सेबल जो ड्रग्स है वो थोड़ा महंगा होता है, तो एंड लेस सेफ, साइड इफेक्ट भी थोड़ा जल्दी होता है, एंड इनकन्वीनियंट, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इंजुरी टू नर्व्स एंड अदर टिश्यू में आकर, अगर मेंटर मस्कुलर देते हो तो नर्व सप्लाई होता है वहाँ पे मसल्स में, तो कभी कभी इंजुरी होने का चांस रहेगा, है ना, तो एसेप्सिस मस्ट बी मेंटेन्ड, इंजेक्शन मे बी पेनफुल, मोर एक्सपेंसिव, इंजुरी टू नर्व्स, सो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक और डिसएडवांटेज हो सकता है कि स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन ओनली एडमिनिस्टर ड्रग भाया पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ओरल रूट जो था, है ना, रेक्टल वो अनस्किल्ड लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन पैरेंटल रूट्स में अनस्किल्ड से नहीं होगा, आपको स्किल चाहिए रहेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हो। तो पैरेंटल रूट्स में सबसे पहले इंजेक्शन के द्वारा ये ड्रग दिया जाएगा, तो पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज गिवन बाई इंजेक्टेबल्स, ये इंजेक्शन बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज, इंजेक्शन जब भी लगाएंगे तो सिरिंज एंड नीडल के मदद से ये ड्रग एडमिनिस्टर होगा बाय पैरेंटल रूट्स। और पैरेंटल रूट्स में क्या क्या आएगा देखिए, सबसे पहले इंट्राडर्मल, तो ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन रेजिंग द ब्लेब, एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन, टेस्ट फॉर ड्रग एलर्जी, ये देखिए, है ना, तो इंट्राडर्मल रूट्स में ड्रग इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन रेजिंग द ब्लेब, स्किन का जो ब्लेब है वो आपको रेज करके आप इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट एग्जाम्पल है बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, कोई ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक कैन कॉज स्किन एलर्जी, तो देने से पहले एलर्जिक प्रोड्यूस कर सकता है, एनाफिलैक्टिक शॉक करता है पेनिसिलिन, तो बिफोर गिविंग द ड्रग वी कैन टेस्ट द एलर्जिक टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर ड्रग एलर्जी, वो भी इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं, तो दिस हैज वेरी गुड इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई दूस रूट, अब इसमें ज़्यादा हाई क्वांटिटी या बोलस फॉर्म में या ज़्यादा ड्रग नहीं दे सकते, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ड्रग कैन बी
एडमिनिस्टर्ड भया इंटर रूट इंटरडर्मल रूट्स। इंटरडर्मल रूट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इंजेक्शन को रख के आप ब्लेब को थोड़ा रेज करके आप इंजेक्ट कर सकते हो। दिस इज द इंटरडर्मल रूट। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अनदर इंपॉर्टेंट इज अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ड्रग इज डिपोजिटेड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, एग्जाम्पल हेपारिन एंड द इंसुलिन। इंसुलिन नाउडेज ऑलवेज गिवन बाई सबक्यूटेनियस रूट, इट डज नॉट गिवन बाई ओरल रूट्स। सो ड्रग इज डिपोजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज, एब्जॉर्प्शन इज स्लो यूनिफॉर्म मेकिंग द ड्रग लॉन्गर एक्टिंग। ऐसा ड्रग जो आपको लॉन्गर एक्टिंग चाहिए, इंसुलिन 24 आवर ज़्यादा चाहिए रहता है, क्रोनिक डिसीज में यूज होता है, फॉर लॉन्गर एक्टिंग के लिए काम करते हैं, तो ऐसा ड्रग सबक्यूटेनियस देने से स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और यूनिफॉर्म होगा, तो इट इज़ गुड फॉर लॉन्गर एक्टिंग। रिलायबल, कैन बी ट्रेन फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलायबल है, और अगर ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो ट्रेन कर सकते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो पेशेंट में भी सेल्फ एडमिनिस्टर आफ्टर द ट्रेनिंग। एब्जॉर्प्शन कैन बी इन्हांस्ड बाई एडिंग द एंजाइम हाइलुरोनिडेज। अगर ऐसा एब्जॉर्प्शन फास्ट चाहिए कोई भी अगर ऐसा कंडीशंस में, तो अगर उसमें हम एंजाइम हाइलुरोनिडेज अगर हम करते हैं, हाइलुरोनिडेज एंजाइम अगर मिक्स कर देते हैं या उसके साथ देते हैं, तो एक्शन कैन बी फास्ट, एब्जॉर्प्शन कैन बी इन्हांस्ड। 45 डिग्री एंगल पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रोड्यूस या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इट बीज अ वाइवा क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम कि व्हिच एंजाइम एडमिनिस्टर फॉर द फास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग भाया सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस रूट। तो आंसर इज अ हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एडवांटेजेस तो है ही है, लेकिन इसका सम डिसएडवांटेजेस है कि सबक्यूटेनियस टिश्यू इज रीच सप्लाइड बाई नर्व्स, इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड का सीवियर पेन। अब जहाँ पर ज़्यादा रीच सप्लाई नर्व है, इंजेक्शन करेंगे तो इंटेंस पेन प्रोड्यूस करेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है। इन शॉक एब्जॉर्प्शन इज नॉट डिपेंडेबल बिकॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन। अगर पेशेंट शॉक में है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, अब जब पेशेंट को वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया रहेगा तो ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इन दिस केसेस द ड्रग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस रूट। सो अनदर सम टेक्निक्स ऑल्सो कैन यूज कैन बी गिवेन, सम ड्रग्स कैन बी गिवेन बाई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, लाइक हाइपोडर्मोक्लाइसिस। हाइपोडर्मोक्लाइसिस तो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सलाइन इज इम्प्लॉयड। ऐसा केसेस में हाइपोडर्मोक्लाइसिस में सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन से लार्ज वॉल्यूम ऑफ सलाइन इज इम्प्लॉयड, जिसमें डिहाइड्रेशन केसेस में अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो इसमें सलाइन को सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। वेरी रेयर, समटाइम इट मे बी गिवेन, ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, इजीली नहीं दिया जाता है। अंदर डर्मोजेट, हाई वेलोसिटी ऑफ जेट, डर्मोजेट इज ऑल्सो अ सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें होता क्या है, हाई वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ ड्रग सोल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फाइन ओरिफिस यूजिंग द गन। एक गन होता है जिसमें ड्रग फील्ड किया जाता है स्किन के फाइन ओरिफिस में गन के द्वारा पुश किया जाता है ड्रग। इट इज पेनलेस सुटेबल फॉर द वैक्सीन, ये पेनलेस है और वेरी सुटेबल फॉर द वैक्सीन। अनदर इज द पैलेट इम्प्लांटेशन। स्मॉल पैलेट पैक्ड विथ ड्रग्स आर इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली, ड्रग्स इज स्लोली रिलीज फॉर अ वीक, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ऐसा ड्रग्स जो ज़्यादा दिन के लिए चाहिए रहता है, 7-8 दिन के लिए आपको ड्रग रिलीज करवाना है, आपको एक्शन चाहिए, तो इसमें पैलेट फॉर्म में ये सबक्यूटेनियसली ड्रग को इम्प्लांट कर सकता है। उसके बाद क्या करेगा, ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड फॉर अ वीक्स, 7-8 दिन के लिए स्लोली रिलीज होता रहेगा और दे विल प्रोवाइड फॉर द गुड एक्शन ऑफ द ड्रग। तो टेस्टोस्टेरोन थेरापी हम देते हैं पैलेट फॉर्म में, अगर हाइपोगोनाडिज्म केसेस में जो ज़्यादा दिन के लिए एक्शन चाहिए तो पैलेट इम्प्लांट कर दीजिए, बेटर टू गिव अ डेली टैबलेट फॉर्म और डेली इन ओरल फॉर्म या इंजेक्टेबल फॉर्म। तो एक बार हम पैलेट इम्प्लांट कर दिए सबक्यूटेनियसली तो एक हफ्ते तक हमको कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज द वेरी गुड
रूट्स ऑफ एज पर सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अनदर इज ऑल्सो सियालिस्टिक इम्पोर्टेंट सियालिस्टिक इम्प्लांट्स. सो इन दिस सियालिस्टिक इम्प्लांट ड्रग इज पैक्ड इन सियालिस्टिक ट्यूब. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द सियालिस्टिक इम्प्लांट. इसको सियालिस्टिक इसीलिए नाम है क्योंकि ड्रग जो है सियालिस्टिक ट्यूब में पैक किया जाता है. ड्रग इज पैक्ड इन सियालिस्टिक ट्यूब एंड इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली. इसमें था पैलेट फॉर्म में आप इम्प्लांट कर दीजिए. सियालिस्टिक इम्प्लांट में ड्रग को पहले सियालिस्टिक ट्यूब में रखिए, उसके बाद सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर दीजिए. देन ड्रग गेट अब्जॉर्ब्ड ओवर द मंथ टू प्रोवाइड कंस्टेंट ब्लड लेवल. अब ये पैलेट इम्प्लांट करेंगे तो एक हफ्ते तक मिलेगा, अगर सियालिस्टिक ट्यूब में इम्प्लांट कर देंगे तो मंथ तक ये ब्लड सर्कुलेशन में पार्टिकुलर या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज करते रहेंगे. जैसे हार्मोन्स और कंट्रासेप्टिव, हार्मोन भी लॉन्ग टर्म थेरापी है और कंट्रासेप्टिव भी लॉन्ग टर्म थेरापी है. तो डेली आपको टैबलेट लेने से बेटर है कि हम सियालिस्टिक इम्प्लांट कर दें और एक महीने तक कोई टेंशन ही नहीं रहा. तो वेरी गुड रूट्स इन सबक्यूटेनियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अनदर इम्पोर्टेंट इन पैरेंटल रूट इज इंट्रामस्कुलर. एंड नाउ डेज इंट्रामस्कुलर इज मोस्ट वेरी फेमस. ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन टू द लार्ज स्केटल मसल्स, डेल्टोइड मसल, ट्राइसेप्स, ग्लूटियस और रेक्टस फेमोरिस. यहाँ से आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ले दे सकते हैं. पैरेंटल रूट्स में अगर आप बात करेंगे तो इंट्रामस्कुलर रूट्स एंड इंजेक्टेबल रूट्स, इंट्राफेनस रूट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर दिया जाता है. उसके बाद में सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल रूट फेमस है. दिस इज फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अदरवाइज इंट्रामस्कुलर एंड इंट्राफेनस रूट इज मोस्ट फेमस. तो इंट्रामस्कुलर आप लार्ज स्केटल मसल्स में, डेल्टॉइड में, ट्राइसेप्स में, ग्लूटियस में, रेक्टस फेमोरिस में हम इंजेक्ट करते हैं. एज द मसल्स आर वास्कुलर, एब्जॉर्प्शन इज रैपिड एंड क्वाइट यूनिफॉर्म. सम डिपो वाइली सोल्यूशन एक्वस सस्पेशन कैन बी इंजेक्टेड बाई दिस रूट. आजकल तो मैक्सिमम इंजेक्शन कैन बी गिवन बाई इंट्रामस्कुलर रूट और इंट्रावेनस रूट. कोई भी इंजेक्शन इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं नाउ डेज. बट वाइली सोल्यूशन, डिपो सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड बाई दिस रूट. अवॉइडेड इन एंटी कोगुलेंट ट्रीटेड पेशेंट बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस हेमाटोमा. अगर पहले से एंटी कोगुलेंट दिया हुआ है तो इंट्रामस्कुलर से अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन प्रोड्यूस हेमाटोमा. इंट्रावेनस रूट, अनदर इम्पोर्टेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द पैरेंटल रूट. नाउ डेज मैक्सिमम ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई इंट्रावेनसली रूट. इट कैन यू कैन गिव अ ड्रग इन बोलस फॉर्म बाया द इंट्रावेनस रूट. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ड्रग इज इंजेक्टेड इन टू वन सुपरफिशियल वेन सो दैट इट डायरेक्टली रीचेज इन टू द सर्कुलेशन. इसमें क्या करते हैं, ड्रग हम सीधे वेन्स में देते हैं. अब जहाँ पे ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहीं पे आपने ड्रग दे दिया, तो 100% बायोबिलिटी है, 100% ड्रग इज अवेलेबल इन द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द एक्शन. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और वेरी इमीडिएट एक्शन, इट विल प्रोड्यूस इमीडिएट एक्शन. इंटीमा ऑफ द वेन्स इज इनसेंसिटिव. द वेन का इंटीमा मतलब इनर पार्ट ऑफ द वेन इज इनसेंसिटिव. तो आप क्या कर सकते हैं, जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स है वो भी आप इंट्रावेनस रूट से दे सकते हो. Why highly irritant drugs can be given by intravenous route? Answer is intima of the veins. Inner membrane of the veins is insensitive. उसको कोई sensitivity है नहीं. तो highly irritant drugs can be injected by the intravenous route. Very important topic. Thrombophlebitis of the injected vein and necrosis of the adjoining tissue may occur by if extravasation occurs. अगर कभी इंजेक्शन लगाते टाइम अगर वेन में न जाके ड्रग ऊपर नीचे या बाहर हो जाता है, एक्स्ट्रा वेसल्स में जाते हैं, एक्स्ट्रा वैसेसन होता है, तो समटाइम्स थर्मोफिलोबाइटिस एंड नेक्रोसिस कैन बी हैपन. कॉम्प्लिकेशन कैन बी मिनिमाइज बाई डायलूटिंग द ड्रग इन टू द रनिंग आई वी लाइन. अगर वो भी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए तो आई वी लाइन लगाइए और ड्रग को हम सीधे सलाइन में डाल देते हैं, आई वी लाइन में डाल देते हैं. तो उसमें आपको बार बार पंक्चर करने का टेंशन नहीं है, एक बार आई वी लाइन डाल दीजिए और उसके बाद जितने भी ड्रग देना है उसके द्वारा हम देते रहेंगे. तो इसमें जो रिपीटेड पंक्चर ऑफ द वेन इज द मिनिमाइज और उसके साथ कॉम्प्लिकेशन भी मिनिमाइज हो जाएगा. लार्ज वॉल्यूम कैन बी एडमिनिस्टर्ड. आज भी अगर सलाइन देना है, बोलस फॉर्म में ड्रग देना है, ज़्यादा मात्रा में ड्रग देना है तो इंट्रावेनस रूट को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, यही देता ही है, दूसरा कोई रूट है ही नहीं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स एमॉन्ग पैरेंटरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इंट्रापेरिटोनियल रूट, अब ये इतना कॉमन नहीं है.
पेरिटोनियम ऑफर्स लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन. पेरिटोनियम इज द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन ऑफ द बॉडी. तो उसमें अब इंट्रापेरिटोनियल लार्ज बड़ा एरिया तो है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन इतना कॉमन नहीं है. फ्लूइड्स आर इंजेक्टेड आईपी इन इन्फेंट्स. बच्चे में ये दिया जाता है, फ्लूइड्स आर इंजेक्टेड इंट्रापेरिटोनियल इन्फेंट्स, लेकिन इतना कॉमन नहीं है. सो दीज आर द रूट्स ऑफ अंडर पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इंट्राथिकल ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इन टू द सब आरकेनोइड स्पेस. एग्जाम्पल स्पाइनल एनेस्थेसिया. डायरेक्ट इंट्राबंडकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में बी एम्प्लॉयड इन द ब्रेन ट्यूमर्स. ये लोकल एक्शन के लिए भी हम इंट्राथिकल रूट को प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रीफर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर इंट्राबेंटिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो इम्प्लॉयड इन द ब्रेन ट्यूमर, डायरेक्ट ब्रेन ट्यूमर को लोकली प्रोड्यूस करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने का जरूरी नहीं है. तो ये भी कोई कॉमन नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन एमॉन्ग पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इंट्रामेरुलरी इट इज़ वेरी अनकॉमन. इंजेक्शन इन टू बोन मैरो रेयरली यूज नाउ डेज, है ना, बट इट इज अ पार्ट ऑफ पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अनदर पार्ट ऑफ या रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमॉन्ग पैरेंटल इज इनहेलेशनल. एक तो था इंजेक्शन फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में आपने इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथिकल, इंट्राविनस दिया. दूसरा इनहेलेशनल. इनहेलेशनल रूट से इफ यू ड्रग गिवन बाय इनहेलेशनल रूट ऑल्सो इट ड्रग गोज इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बिकॉज लंग्स ऑफर लार्ज सर्फेस एरिया. हम रूट को इनहेलेशन करेंगे, सूंघेंगे, नोजल म्यूकोजा के द्वारा हम देंगे, तो ड्रग भी रीच इन टू द लंग्स. एंड लंग्स ऑफर लार्ज सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. लंग्स के पास भी बड़ा सर्फेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. वोलाटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवेन बाई इनहेलेशन. एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेसिया. अब जनरल एनेस्थेसिया इथर है, वो इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है. देज गोज इन टू द लंग्स, दे विल एब्जॉर्ब देयर एंड गो रीच इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में ड्रग जो है, वोलाटाइल जो है, वैसा लिक्विड को हम इनहेलेशनल रूट से दे सकते हैं. Absorption takes place from alveoli, action is rapid. Absorption takes place alveoli in the lungs, और action rapid कर सकते हैं, rapid action is very rapid. So it is very important rules of drug administration. When administration is discontinued, the drug diffuses back, thus controlled administration is possible. अगर आपने drug को stop कर दिया, inhalational route से देना बंद कर दिया, तो ड्रग क्या डिफ्यूज बैक हो जाएगा, बाहर फिर से बैक हो जाएगा, और कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल. आपको जितना चाहिए उतना, आज हमने इनहेलेशनल रूट से लेंगे, आज वो काम करेंगे, कल हम अगर रूट ड्रग नहीं लेंगे वो काम नहीं करेंगे. तो इसको बोलते हैं कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. इज ए वेरी गुड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमॉन्ग सिस्टमिक एक्शन, फॉर द सिस्टमिक एक्शन. ड्रग फॉर इनहेलेशनल आर अवेलेबल एज मीटर डोज इनहेलर्स, निबुलाइजर है, मीटर डोज इनहेलर्स है, रोटर. तो सब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल रूट. आस्थमा में दिया जाता है. ट्रांसडर्मल रूट जो अनदर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ इन द सिस्टमिक एक्शन एमॉन्ग पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रांसडर्मल रूट. हाईली लिपिड सोलबल ड्रग्स कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन. एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन इन एंजाइना. हाईली लिपिड सोलबल ड्रग्स, ड्रग जो है वाटर सोलबल नहीं होना चाहिए, हाईली लिपिड सोलबल ड्रग होना चाहिए. दे कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन. ट्रांसडर्मल पैचेस में एब्जॉर्प्शन एक स्लो होगा और बहुत बहुत टाइम के लिए, ज़्यादा दिन के लिए, प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्प्शन. तो धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगा. नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंजाइना में हम दे सकते हैं. अब आप एंजाइना केसेस लेंगे तो नाइट्रोग्लिसरीन आप सब लिंगुअल दीजिए तो फास्ट एक्शन होगा, एंजाइनल अटैक रिड्यूस हो जाए, सबसाइड हो गया तो मेंटेन के लिए आप क्या करिए, ट्रांसडर्मल रूट से दे दीजिए. अब क्या क्या होगा ट्रांसडर्मल रूट में, आपको आगे हम डिस्कस करेंगे. एडहेसिव यूनिट, इनक्शन, एंटोफोरोसिस एंड जेट इंजेक्शन आर सम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. व्हाट इज एडहेसिव यूनिट? एडहेसिव पैचेज ऑफ डिफरेंट साइज टू सूट द एरिया ऑफ एप्लीकेशन. एडहेसिव पैचेज इज देयर ऑफ डिफरेंट साइज में मिलता है टू सूट द एरिया एप्लीकेशन. जिस भी एरिया में आपको एडहेसिव पैच लगाना है उस एरिया के हिसाब से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो. ड्रग स्लोली डिफ्यूजेज थ्रू मेम्ब्रेन. ड्रग डिफ्यूजेज वेरी स्लोली विद द स्किन मेम्ब्रेन. कॉन्स्टेंस प्लाज्मा ड्रग लेवल, आप स्लोली एब्जॉर्ब होता जाएगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा. कैन बी यूज टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग. ऐसा ड्रग जिसको आपको ज़्यादा दिन के लिए चाहिए,
प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन चाहिए, ऐसा केसेस में एडहेसिव यूनिट देंगे। दे मे बी अप्लाइड ओवर चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, बैक ऑफ मास्टोइड रीजन, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन पैच। टेस्टोस्टेरोन ट्रांसडर्मल पैच में अवेलेबल है, ज़्यादा दिन के लिए चाहिए, 1 हफ्ता 15 दिन, ऐसा केसेस में हम बेटर रहेगा कि ट्रांसडर्मल पैच लगा ले ओवर द स्किन। एंड हाईली लिपोसोल्युबल ड्रग इज बेस्ट ड्रग टू सूट द गिवन बाय एडहेसिव यूनिट। अनदर इनक्शन, इनक्शन इज द बेसिकली ड्रग रब्ड इन टू द स्किन एंड गेट्स अब्जॉर्ब टू द प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। अब इतना नॉर्मल या यूजुअली यूज तो नहीं होता है, इसमें क्या होता है ड्रग्स को स्किन पर रब किया जाता है, घर्षण किया जाता है, उसमें क्या करता है ऐसा करते वक्त ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द इनक्शन या ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ या ड्रग रबिंग इनटू द स्किन तो गेट्स एब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। ये क्या करेंगे रबिंग करते वक्त ये स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे और रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड इनक्शन। आयंटोफोरोसिस, आयंटोफोरोसिस में क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है गैल्वेनिक करेंट इज यूज फॉर ब्रिंगिंग अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ लिपिड सोल्युबल ड्रग्स इनटू द डीपर टिश्यू, एग्जांपल फ्लोराइड आयंटोफोरोसिस इज यूज्ड इन द डेंटल हाइपरसेंसिटिविटी। ये भी बहुत अनकॉमन है, इसमें गैल्वेनिक करेंट या गैल्वेनोमीटर यूज होता है, आप इसको याद रखें। आयंटोफोरोसिस व स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट इज गैल्वेनिक करेंट बाई गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू ब्रिंगिंग अबाउट पेनिट्रेशन ऑफ लिपिड सोल्युबल ड्रग। एक तो लिपिड सोल्युबल ड्रग चाहिए, दूसरा होगा गैल्वेनिक करेंट यूज टू पुश द ड्रग इन टू द डीपर टिश्यू। अब एक एग्जाम्पल है फ्लोराइड एंटोफोरोसिस देते हैं, फ्लोराइड को हम एंटोफोरोसिस के द्वारा इंड्यूस करते हैं इन डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस एमॉन्ग पेरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक था हमने दो डिस्कस कर लिया, सिस्टमिक एक्शन हमने देख लिया और दूसरा लोकल एक्शन। लोकल एक्शन में क्या होता है कि ऐसा ड्रग जहां को आपको लोकली प्रोड्यूस करना हो, या जैसे स्किन लीजन है, दिस इज ए स्किन लीजन, तो इसमें कैसा ड्रग चाहिए, बेटर टू गो सिस्टमिक ड्रग्स। ऐसा हम ड्रग ले टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, दे विल गोज इन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, फिर वो क्योर करेगा, उससे बेटर क्यों ना हो आप डायरेक्ट क्रीम व ointment of particular drug can be applied over the skin। आप यही अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्योर हो सकता है, तो बेटर क्या रहेगा, इसे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको सिस्टेमिक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ड्रग जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया ही नहीं तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करना ही नहीं, और स्किन लीजन हमको तो लोकल एक्शन चाहिए, दैट दिस इज द लोकल एक्शन ऑफ द लोकली रूट। अब दूसरा एक है आई ड्रॉप्स, आई में कुछ प्रॉब्लम है, ईयर ड्रॉप्स, अब इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग्स देके फिर कोई जरूरी नहीं है, उसमें साइड इफेक्ट भी होगा, तो हम क्यों ना डायरेक्ट ड्रग आई में या ईयर में डाल दें, तो दैट इज ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड लोकल एक्शन। हमें ईयर में चाहिए, लोकल एक्शन चाहिए, सिस्टमिक एक्शन चाहिए नहीं, तो ऐसा टाइप्स को ड्रग्स जो देते हैं उसको बोलते हैं लोकल एक्शन। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है टॉपिकल, अब चाहिए लोकल एक्शन, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में एक्शन चाहिए, दैट इज का लोकल एक्शन, तो उसके लिए क्या क्या रूट हो सकता है, तो टॉपिकल फॉर्म में दीजिए। तो ड्रग मे बी अप्लाइड ऑन द स्किन फॉर लोकल एक्शन एज ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पाउडर, पेस्ट इटीसी। तो जो भी ड्रग्स जो इंटीरियर पेरेंटल रूट से न देके लोकल एक्शन के लिए प्रोड्यूस करे या उसको बोलते हैं या स्किन में डायरेक्ट अप्लाई हो उसको बोलते हैं टॉपिकल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। टॉपिकल में आपको ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, जेल हो गया, पाउडर हो गया, पेस्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो अप्लाइड ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, ईयर, नोज एज अ आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट स्प्रे, सो दिस इज कॉल्ड द टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग्स। सो टॉपिकल एप्लीकेशन ऑलवेज प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, दे बी डज नॉट गोज इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्रग्स मे बी एडमिनिस्टर्ड एज अ सपोजिटरी फॉर रेक्टम, बोगीज फॉर यूरेथ्रा एंड पेसरीज फॉर वेजाइना। तो दिस इज रेक्टम के द्वारा भी आप लोकल एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिजीजेज में आपको चाहिए तो आप रेक्टम में बुगीज, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल इन्फेक्शन में, पेसरीज फॉर वेजाइना, वेजाइनल इंजेक्शन में, तो जाके पार्टिकुलरली लोकल चीज पे लोकली दे विल एक्ट ऑन द वेजाइना। ड्रग इज वेरी मिनिमल या वेरी फ्यू चांस टू गोज इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दिस इज अ टॉपिकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर द लोकल एक्शन। अनदर इज इंट्रा आर्टिकुलर में ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द जॉइंट्स
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस केसेस में जब जॉइंट में पेन होता है या उसमें साइनोबियल जॉइंट में पेन होगा, तो ऐसा केसेस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाइए। हार्टिकॉर्टिसोन हाइड्रोकॉर्टिसोन इज इंजेक्टेड इन टू द अफेक्टेड जॉइंट। अब किसी भी जॉइंट में अगर अर्थराइटिस केसेस में जो भी जॉइंट में पेन हो रहा है, तो आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन रैदर दैन यू हैव टू गिव ऑन फॉर द लोकल एक्शन। अब इंजेक्टेबल फॉर्म या पेरेंटल रूट्स में देंगे तो दे विल गोज इन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना, तो दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट। तो हमें अर्थराइटिस ठीक करना है एक पार्टिकुलर जॉइंट में है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली जॉइंट में ड्रग एडमिनिस्टर कर दें। तो इंट्रा आर्टिकुलर के द्वारा आप ड्रग जीते जॉइंट में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ड्रग विल एक्ट लोकली ऑन द जॉइंट, दे विल नॉट प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट और वेरी फ्यू चांसेस टू गोज इन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज द लोकल एक्शन ऑफ द इन फॉर द सॉरी दिस इज द फॉर द लोकल एक्शन भाया इंट्रा आर्टिकुलर रूट, दैट इज इंट्रा आर्टेरियल। समटाइम ऑल्सो लोकल एक्शन प्रोड्यूस बाई द इंट्रा आर्टेरियल ड्रग्स डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द आर्टरीज। डायरेक्ट आर्टरीज में हम ड्रग देंगे। यूज ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ पेरीफेरल वास्कुलर डिसीज, लोकल मालिग्नेंसी, डायग्नोस्टिक स्टडीज, एनजियोग्राम। तो कुछ ड्रग क्या होता है, हम डायरेक्ट आर्टरी में देंगे, ब्रैकियल आर्टरी में देते, डायग्नोस्टिक से जो एंजियोग्राम या कोई लोकल मालिग्नेंसी है, कैंसर सेल है, उसको किल करना है, तो रैदर दैन सिस्टेमिक एक्शन सो यू कैन गिव डायरेक्टली ऑन द पार्टिकुलर आर्टेरियल इनफिल्ट्रेशन। आर्टरी में डायरेक्ट दे के हम लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल फॉर द लोकल एक्शन द पार्टिकुलर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। After the these various routes of drug administration for the systemic and the local action, there are some special drug delivery system. There is a special drug delivery system to improve the drug delivery and to prolong the duration of action. We used a special routes of drug delivery system which is apart from these either systemic route or the local route. That is called AKUSAT. एक एग्जाम्पल, वेरी फ्यू क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सो आंसर इज व्हाई स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड, टू इम्प्रूव द ड्रग डिलीवरी एंड टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वी यूज ए स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एग्जाम्पल इज AKUSAT। व्हाट इज AKUSAT? तो थीन एलिप्टिकल यूनिट्स दैट कंटेन द ड्रग इन अ रिजर्वायर which slowly releases the drug through membrane by diffusion at a steady rate. That is example pilocarpine, AKUSAT used in glaucoma, is placed under the lid and deliver pilocarpine for 7 days. This thin elliptical unit that contain the drug, एक elliptical shaped का unit रहेगा जो drug contain करता है। example रहेगा pilocarpine, AKUSAT, उसको AKUSAT use in the glaucoma। अब glaucoma के लिए chronic treatment चाहिए, longer for the treatment चाहिए, तो क्या करेंगे, एक thin elliptical units that contain the drug like pilocarpine act as a reservoir which slowly release the drug through membrane by diffusion at the steady rate, that is called used in the glaucoma, placed under the lid, आप आई लीड के अंदर प्लेस कर दीजिए एंड डिलीवर pilocarpine फॉर 7 days। अब pilocarpine इज अ ड्रग ट्रीटमेंट फॉर द ग्लोकोमा। अब डेली आई ड्रॉप्स देने से बेटर है कि AKUSAT दे देंगे और 7 दिन के लिए कोई टेंशन नहीं है, दे विल स्लोली रिलीज द ड्रग इन टू द आई फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अनदर इज अ Progestasert, ये भी दिस इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इंसर्टेड इन टू द यूट्रस where it deliver progesterone constantly for the 1 year। अब कॉन्ट्रासेप्टिक यूज करना है, किसी भी चीज़ के लिए यूज करना है, तो Progestasert यूज करते हैं, इज डायरेक्टली इंसर्टेड इन टू द यूट्रस में, डायरेक्ट हम जाके इसको प्लेस कर देंगे जहाँ पे ये 1 साल तक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीजेज इन टू द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड Progestasert। तो दिस इज अ स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अनदर इज अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि डिलीवर ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन, हम सिर्फ टारगेट साइट पर ड्रग देंगे, जो जिस भी बॉडी पार्ट में जहां भी प्रॉब्लम है, तो टारगेट टिश्यू पे, टारगेट साइट पे हम डायरेक्टली ड्रग रीच करेंगे, डायरेक्टली विल एडमिनिस्टर ड्रग ऑन द टारगेट साइट, दैट वाई इट इज कॉल्ड टारगेटेड ड्रग डिलीवर द टारगेटेड रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डिलीवर ड्रग टू द साइट ऑफ द एक्शन डायरेक्टली, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डायरेक्ट हम ड्रग प्रोड्यूस करेंगे।
लार्जली रिड्यूस द साइड इफेक्ट बिकॉज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इज विल बी डिलीवर्ड एट रिक्वायर्ड साइट ऑफ द एक्शन. इसमें क्या होगा, जो टारगेट साइट है जहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस करना है वहाँ पे उतना ही ड्रग देंगे जितना कि रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उसमें न फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाना है और नहीं तो बायोबिलिटी का उसमें टेंशन है, क्योंकि डायरेक्टली इट विल रीच इन टू द टारगेट साइट. तो लार्जली रिड्यूस द साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी कम, बहुत कम हो गया, दूसरे साइड पे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा नहीं तो साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना. तो एग्जाम्पल इज लाइपोसोम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड नैनो पार्टिकल बेस्ड nowadays research is also going on. So these types of drug bind with liposome में bind करके या monoclonal antibody nano particle के through this procedure we can administering drug for the targeted drug delivery system. ज़्यादातर target drug delivery system used in the cancer. Cancer cell, to kill the cancer cell basically chemotherapy is used systemically, they will go into the systemic circulation. So they kill cancer cells as well as normal cells also. So why not we go for the target cell, the drugs kill only cancer cells, not targeted, the what the target is there. अगर हमने टारगेट दिया है कैंसर सेल को किल करना है तो कैंसर सेल को किल करना है. तो इसके लिए लाइपोसोम या नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग इज नाउडेज गोइंग ऑन, रिसर्च आल्सो गोइंग ऑन. सो दिस टाइप्स ऑफ प्रोसीजर इज कॉल्ड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. तो थैंक यू वेरी मच. सो टुडे आई डिस्कस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट्स ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम. Again, I will just summarize the topic, because the roots can be decided only the properties of the drug, कि drug कैसा है, उसका properties कैसा है, ये root decide करता है. अगर drug liquid है, solid है, तो oral form में देंगे. आपको action ज़्यादा चाहिए, volatile है, gas है, तो inhalational देंगे. अगर rapid action चाहिए, तो injectable देंगे. slow action चाहिए, तो oral form में देंगे. अनकन्सियस पेशेंट है तो उसमें इंजेक्टेबल लगाएंगे. अनकोऑपरेटिव है, इंजेक्टेबल देंगे. फास्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पेरेंटल रूट से देंगे. तो दीज आर द सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प यू टू चॉइस ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. रूट्स को आप जितने भी है आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, कि आपको चाहिए कहाँ पे एक्शन, कहाँ पे चाहिए, वेयर यू नीड द एक्शन ऑन द ऑफ द पार्टिकुलर ड्रग. अगर आपको सिस्टमिक एक्शन चाहिए, आपको ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाना है, तो आपको सिस्टमिक रूट से ड्रग देना होगा. अगर आपको लोकल एक्शन चाहिए, आपको पार्टिकुलर साइट पे लोकली एक्शन प्रोड्यूस करवाना है, तो आपको लोकल रूट से देना होगा. तो सिस्टमिक एक्शन में आपको या तो इंटरनल रूट से देंगे या तो पेरेंटरल रूट से देंगे. इंटरनल रूट्स में आपका ओरल से दे सकते हैं, सबलिंगुअली दे सकते हैं या रेक्टल से दे सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें देंगे तो पहले ड्रग कहाँ जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. और जो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, दे विल प्रोड्यूस द सिस्टमिक इफेक्ट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. दूसरा पेरेंटल रूट से देंगे, पेरेंटल में आपको इंजेक्टेबल रूट्स हो गया, इनहेलेशनल रूट्स है, ट्रांसडर्मल रूट्स है. अगर आपको लोकल एक्शन प्रोड्यूस करना है तो टॉपिकल रूट से दीजिए. टॉपिकल में ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया, ईयर ड्रॉप्स हो गया. इंट्रा आर्टिकुलर आपको इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जहाँ पार्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे काम करना, लोकली इफेक्ट करवाना है. तो दिस इज द टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube channels. Subsequently, I will upload a video on the another important topics of pharmacology. Thank you.